बाबा महाकाल की नगरी में सेनापति के रूप में स्वयं काल भैरव पूजे जाते हैं। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन लगा रहता है। 5 दिसंबर को भैरव महाराज की यहाँ पर जयंती मनाई जाएगी, जिसके अंदर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से प्रसाद में शराब का बाबा को भोग लगाया जाता है। श्रद्धालु द्वारा जो शराब लाई जाती है, बाबा वो स्वयं पी जाते हैं। पुजारी जैसे ही प्याले में शराब भरते हैं और बाबा के मुख से लगाते हैं, वो शराब पल भर में गायब हो जाती है। इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि शराब आखिर जाती कहाँ है। यहाँ पर हजारों लीटर शराब चढ़ जाती है। ये चमत्कार देखने बाबा का दूर दूर से लोग आते हैं। काल भैरव मुख तंत्र क्रिया का भी विशेष केंद्र बना गया है। दूर दूर से तांत्रिक भी यहाँ पे तपस्या व साधना करने आते हैं। श्रद्धालु द्वारा यहाँ पर नारियल बांधकर मन्नत भी मांगी जाती है। हजारों की संख्या में यहाँ नारियल देखने को मिलता है। जयंती 5 तारीख को बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रात्रि में आरती के बाद में बाबा का चोला श्रृंगार और वस्त्र बदलने के बाद में चोला श्रृंगार किया जाएगा और 12 बजे महाआरती का आयोजन रहेगा। उसके बाद में अगले दिन बाबा का चल समारोह रहेगा। इसके अलावा दिन भर प्रसादी वितरण और अन्य छोटे मोटे अन्य कार्यक्रम होते रहेंगे, क्योंकि मंदिर प्रांगण में और मंदिर के बाहर मंदिर की व्यवस्थाओं के द्वारा होते रहेंगे। मंदिर की 56 भोग की अलग व्यवस्था रहेगी और अलग अलग यात्रियों के द्वारा जो जो अलग व्यवस्थाएँ की जा रही है, जो हम लोगों के द्वारा की जा रही है, लड्डू की और नुक्ति की और इस तरह की जो भी प्रसाद हैं, वो व्यवस्थाओं हम लोगों ने की है और वो व्यवस्था दिन भर चलती रहेगी। तो सुबह 6 बजे से रात की जब तक यात्रियों के आने की व्यवस्था रहेगी, तब तक दर्शन रहेंगे, क्योंकि जन्मोत्सव का कार्यक्रम रहेगा और मुख्य रूप से कालाष्टमी का कार्यक्रम है। साल भर में वैसे बाबा का जन्मोत्सव हर महीने बनता है, परंतु ये प्रमुख जन्मोत्सव के रूप में इसका इसकी महत्वता रहती है। इसलिए इस दिन रात को 1-2 बजे तक जब तक भी श्रद्धालुओं का आना रहता है, तब तक हम लोग दर्शन की व्यवस्था इसमें कराते हैं और प्रशासन का उसमें पूरा सहयोग रहता है। जो भी जो प्रतिदिन आते हैं उससे सवाया या डेढ़ श्रद्धालु रहते हैं, जो भी आप मान के चलें कि जो भी श्रद्धालु जितने आ रहे हैं उससे सवाया की व्यवस्था उस दिन की रहती है।